लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी तरफ से ही छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए तिवारी जी। ठीक 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 ठीक। अरे नहीं दोसानी बाबू, ये माया मोह के जाल में हमको कहाँ फंसाते हो, हमको नहीं चाहिए, उठाओ। आपने मुझे करोड़ों की जमीन कौड़ियों में दिलवा दी है। हम दिलवाया? और नहीं तो का, ना हम प्रेम नगर की गरीबों की बस्ती जलाते और ना ही इनको 5-स्टार होटल बनाने के लिए जमीन मिलती। ये सब तिवारी जी की कृपा से हुआ है। हाँ भाई राम छविले जी भैया, ये आधा पैसा ले जाके गरीब भाई बहनों में बांट दे। बहुत अच्छा भैया, इतने सारे रुपए भूखे नंगों में बांट देंगे। अरे दोसानी साहब, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स भैया? हाँ यार वही, चोर से कहो कि चोरी करो और साहूकार से कहो कि जागते रहो, है कि नहीं? इसी को कहते हैं राजनीति। खंडन तिवारी जी की, खंडन तिवारी जी की, खंडन तिवारी जी की, खंडन तिवारी जी की। तुम जाओ, आगे पब्लिक है। जी अच्छी। गरीबों का नेता कैसा हो? गरीबों का नेता कैसा हो? शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमने सुना कि कुछ समाज विरोधियों ने, हमारे दुश्मनों ने हमारे गरीब भाइयों के घरों को जलाकर खाक कर डाला, तो हम फौरन मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और कहा, चीफ मिनिस्टर साहेब, ये आपके शासन में क्या गुंडागर्दी चल रही है? हाँ, इस शहर के अमीरों ने गरीबों को घर से बेघर कर दिया है। तो भाइयों, आपकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुख्यमंत्री जी बच्चे के समान फूट फूट के रोने लगे और फिर आओ देखाओ नताओ, और अपने सेक्रेटरी को आवाज दिया गया, सेक्रेटरी आओ। जब सेक्रेटरी आया तो कहा कि सब जमीन गरीब लोग के नाम पे लिख दो, और आप लोगों के नाम पे जमीन लिख दिया। ताली तो बजा इस बात पे। मगर जमीन मिलने के बाद भी भाइयों, हम रात भर सो ही नहीं सके। हम सोचा कि भाई ठन ठन, जमीन तो मिल गई, मगर आपकी ये गरीब भाई या मजबूर बहने ये अपना घर कैसे बनाएंगे? तो सूरज निकलने से पहले हम फैसला किया कि ठन ठन, गरीब को आबाद कर दो। तो भाइयों, हम अपने बाप दादा की आखिरी निशानी, गांव की हवेली जमीन जायदाद सब बेच के आपके हुजूर में हाजिर हो गए हैं। खंडन तिवारी जी की जय हो, खंडन तिवारी जी की जय हो। भैया राम छबीले जी, भैया अब देर किस बात की है, भगवान का नाम लियो और शुरू हो जाओ। बस ये पुण्य का काम अभी किया था। भैया अब्दुल भाई आइए। नमस्कार पंडित जी। अरे नमस्कार। रिक्शा रोको भाई, रोको। थोड़ी सी देर हो गई पंडित जी। आवा, आवा। लगी पंडित जी? अरे अभी कहाँ लगी, पहले लागो तो सही। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी ठन ठन तिवारी। गुड इवनिंग अंकल। बड़ी गुड मॉर्निंग बोलो नी। अरे बाबा, सुबेरे का 2 बज गया। सॉरी डैडी। इतना रात तक तुम लोग किधर था? बराबर बोलो। वो क्या अंकल? आज हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था ना। अच्छा। यस अंकल, हम दोनों ने फंक्शन में एक्टिव पार्ट लिया। अच्छा। बस बस बस, पूछो मत अंकल, हम दोनों ने वहाँ समा बांध दिया। हाँ डैडी, बाय गॉड, लोग हमारे प्रोग्राम में झूम उठे थे। सच बोल रहे अंकल? शट अप, तुम दोनों मेरे को लल्लू समझता है? अरे बाबा, हम भले ही लाइफ में एक बार शादी बनाया, मगर 1000 बार बारात में तो गया है नी। आप हमें गलत समझ रहे अंकल। देखो रवि, इस तिल से तुम और तेल नहीं निकाल सकता। अरे बहुत हो गया ये ड्रामा तुम दोनों का। अरे वड़ी साईं, जब तुम दोनों नवा नवा प्यार किया तो रात को 8 बजे आया, मैं बोला भाई टिक्कम दास जाने दो। दूसरा टाइम तुम लोग रात को 10 बजे आया, मैं बोला भाई टिकमदास आने दो।
अरे जब तुम लोगों का प्यार और जबरदस्त हुआ तो रात को साला 12 बजे आया। अरे 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 मेरा तो कान खड़ा हो गया। और शादी के पहले आज रात को तुम लोग 2 बजे आया। अरे भाई अगर किधर गलती से मैं तुम दोनों का शादी बना दिया तो तुम लोग तो साला घर के अंदर आएगा ही नहीं। नहीं नहीं अंकल ऐसे कैसे हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, बंडल मत मार मेरे को। अरे तुम दोनों सभी कुछ कर सकता है अभी। इसीलिए रवि बेटा मेरे को साफ साफ बताओ कि मेरा डॉक्टर के साथ मैं शादी कब बनाएगा तुम खल्लास, बोलो। वो क्या है अंकल की, अभी तक मेरी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई है। तो प्यार क्यों चालू रखता है? अगर शादी नहीं तो प्यार का नाटक भी नहीं। कुछ समझा बेबी? हाँ डैडी। तो इधर खड़ा क्या है, जाओ चलो अपना रूम का अंदर जाओ जाओ। बोलो छू। अरे ये पढ़ाई वाले छोकरे को जाके कबाड़ी बाजार में छोड़ कर आओ, जाओ। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट अंकल। शट अप। गुड नाइट। वैसे छोकरा तो अच्छा लगता है, गुड नाइट भी बोलता है। आइए। आप रुकिए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। सर्वारिष्ठ शांति राम छविले, ये देवी कौन है? ये गंगा देवी है भैया। बहुत पवित्र नाम है। ये अपने मुन्ना बाबू के स्वर्गवासी प्रोफेसर साहब की बीवी हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ पंडित जी, मैं एक विधवा औरत हूँ और 2 छोटे छोटे बच्चों की दुखी माँ हूँ। जी हाँ पंडित जी, बिचारी बहुत मुसीबत की मारी हैं। आप जल्दी से इनका कल्याण कर दीजिए, हम चलते हैं। प्रणाम। चलते हैं। सेवा बोलो देवी। आप थोड़ा मैनेजिंग कमेटी को बोल दीजिए, इनके प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे पल जाएंगे, आपको जिंदगी भर दुआ देंगे पंडित जी। तो समझ लो देवी, कल ब्रह्म मुहूर्त पे पैसा अवश्य तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? ये क्या पंडित जी, मैं एक विधवा औरत हूँ, मुझ पर दया कीजिए पंडित जी। कोई बात नहीं, ठन ठन दीवारी एक बार जिसे छू लेते हैं वो सदा के लिए सुहागन हो जाती है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए पंडित जी। लीजिए पंडित जी आ गए, आइए पंडित जी। समा करना जरा, पूजा में देर हो गई। बैठिए बैठिए बिराजी। कैसे भाई आप? बस आप ही की कृपा है पंडित जी। राम छबीले जी भैया, दरिद्र नारायण भोज के आयोजन में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? भैया आप चिंता मत कीजिए, अपने अब्दुल भाई भोज के प्रबंध में जी जान से लगे हैं, आपके द्वार से कोई भूखे पेट नहीं जा सकता। तो हम जानते हैं। बैठिए बैठिए। बैठो बैठो बैठो। हाँ तो भाई आप प्रश्न पूछिए तो हम उसका अंडरवियर देंगे। इंटरव्यू? हाँ इंटरव्यू देंगे, मतलब जवाब देंगे। पूछो भाई। पंडित जी आप महीने के हर आखिरी सोमवार को जिस दरिद्र नारायण भोज का आयोजन कराते हैं उसका उद्देश्य क्या है? हमारा धर्म, हमारा चरित्र। नहीं समझे? नहीं समझे। हम समझाते हैं। क्या है कि हर चरित्रवान आदर्श पुरुष का ये पहला धर्म होता है कि अबलाओं के और खासकर विधवाओं के, हाँ विधवाओं के दुख दूर करना, उनके आंसू पोछना, मतलब समाज के गरीबों की सेवा करना। तो वही कर रहे हैं हम। तालियां 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 तालियां। और इसीलिए हम हर महीने दरिद्र नारायण भोज का आयोजन करते हैं। यहाँ का देख रहे हुआ देखो। अरे ओ घसीटा भाई, पत्तल सारे खत्म हो गए, मोहन जी अभी तक आए नहीं, लोग भूखे खड़े हैं सब। बड़े भैया जरा सामान को हाथ लगा देंगे? जिस बेरहमी के साथ तूने मेरे बापू की हत्या की थी वो मैं आज तक भूला नहीं हूं ठन ठन तिवारी, और ना ही कभी भूलूंगा। लेकिन सही वक्त आने दे। वाह वाह डैडी वाह, क्या चॉइस है आपकी। वैसे इस कुंवारी कन्या का मुखड़ा शेरनी फिल्म की हिरन श्रीदेवी से 99% मिलता। चलो साल भर के बाद तुझे ये लड़की तो पसंद आई। ये शादी के मामले में आप तूफान मेल क्यों हो जाते हैं? फिर वही बात। यस डैडी, पहले आपका ये लायक बेटा अपनी पढ़ाई फिनिश करेगा,
उसके बाद अपनी लाइफ फिनिश करेगा। सुन लिया आपने, इसने फिर से अपना पुराना ड्रामा शुरू कर दिया है। जब आपके साहबजादे को शादी ही नहीं करनी है तो क्यों पिछले एक साल से मेरा जीना हराम कर रखा है? सिर्फ इसलिए कि आपको सास बनना है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कितने ही करोड़पति घरानों से रिश्ते इसके लिए आए, लेकिन इसने सब ठुकरा दिया। आखिर मुझे समाज में रहना, मैं आपके लाडले बेटे के लिए लोगों से बिजनेस रिलेशन खराब नहीं कर सकता। अगर ये शादी करना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? कुछ मत कीजिए, लेकिन आइंदा इसकी शादी का जिक्र मुझसे मत करना। पर सुनिए तो, जो कुछ भी सुनाना हो अपने बेटे को सुनाओ। विजय बेटे, तेरे डैडी तेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन आज तूने उनका दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। दोबारा उनके साथ ऐसा मत करना बेटे।